हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ तपुषी। आज मैं लेकर आई हूँ सबके पसंदीदा बेंगोली क्यूजिन पोटल दोरमा की रेसिपी। तो चलिए बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले हमने ले लिया है कुछ परवल पॉइंटेड गर्ड, तो उसका पहले अच्छे से छिलका निकाल लेना है। फिर हमें परवल के एक साइड काट कर एक चम्मच के जरिए गोल गोल करके इसके अंदर का सारे बीज को निकाल के एक बाउल में रख लेना है। याद रखिए, इस रेसिपी के लिए हमें परवल थोड़ा साइज में बड़ा और कच्चा चाहिए, नहीं तो बीज निकालते वक्त परवल टूटने का संभावना रहता है। अभी इसी तरह सारे परवल को हमने छील के उतार के उसके बीज निकाल लिया है। परवल के स्टफिंग तैयार करने के लिए परवल के बीज को एक ग्राइंडिंग जार में लेके उसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी इसी ग्राइंड किया हुआ बीज से परवल का स्टफिंग तैयार करेंगे। अभी गैस को मीडियम फ्लेम में ऑन करके कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होते उस पर डाल देंगे मीठा जीरा और मीठा जीरा को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जीरा थोड़ा फ्राई होते उस पर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ परवल का बीज और ग्राइंड किया हुआ नारियल। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और उस पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर से इसको अच्छे से मिला दे। अभी इसको तब तक पकने देंगे जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। लगभग 5 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद देखिए ये अच्छी तरह से सूख गया है। अभी ये परवल के स्टफिंग के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम परवल को फ्राई करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके उस पर डाल देंगे नमक और हल्दी पाउडर। तेल गरम होते ही उस पर डाल देंगे परवल और इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट इसको फ्राई होने के बाद अभी परवल को कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा तेल बच गया है। अभी इसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल के पटल दोरमा की ग्रेवी हम तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए तेल थोड़ा गर्म होते उस पर डाल देंगे छोटा दालचीनी के पीसेस, 2 से 3 इलायची, 2 से 3 लवंग और 1 चक्रफूल। मसाले को लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। फिर इस पे डाल देंगे पहले से करके रखा हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज टमाटर और 2 से 3 हरा मिर्च के पेस्ट। थोड़ा सा इसको मिला दे और एक एक करके अभी मसाला डालें। पहले डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक इससे तेल छोड़ना शुरू ना हो जाए। तो जब तक इससे तेल छोड़ना शुरू ना हो, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी परवल के अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। जो परवल के बीज और नारियल से बनाए थे वही स्टफिंग हम लोग इसके अंदर अच्छे से एक चम्मच के ज़रिए भर देंगे। तो देखिए इसी तरह भरना है। इसको अभी साइड पे रख देंगे। तो इसी तरह और एक मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसे अच्छे से दबा दबा के इसको भर देना है। तो इसी तरह के से हमने सारे परवल के अंदर स्टफिंग भर दिए है। ग्रेवी के लिए हमें पोस्तों का पेस्ट भी चाहिए, तो चलिए वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ग्राइंडिंग जार में 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 छोटा चम्मच पोस्तो जो पॉपी सीड्स है, फिर उस पर डाल देंगे कटे हुए अदरक, 9 से 10 लहसुन और 9 से 10 काजू डाल देंगे। फिर इस पर डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए पोस्तो का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और इसी समय में हमारे मसाले से भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी गैस के फ्लेम को लो करके इस पर डाल देंगे दही।
याद रखिए गैस के फ्लेम को लो करके ही दही डालना है, नहीं तो आपकी दही फट सकता है। अच्छे से इसको मिला दे और इसको 30 से 1 मिनट तक पकने दे। लगभग इसको 1 मिनट पकाने के बाद इस पे डाल देंगे पहले से किया हुआ पोस्तों का पेस्ट और इसको अच्छे से मिला दे और गैस को फ्लेम को अभी मीडियम कर दे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे। थोड़ी देर बाद स्टफिंग किया हुआ परवेल ग्रेवी में डाल दे और इसको अच्छे से डीप करा दे ताकि परवेल के अंदर मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और इसको अभी ढक्कन लगा के लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दे। लगभग 3 मिनट बाद ग्रेवी के साथ परवेल अच्छे से समेट लिया है तो अभी हमारा पोटल दोरमा तैयार है। इसको एक सर्विंग प्लेट में अभी सर्व करें। पोटल दोरमा या परवेल दोरमा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये एक फेमस बंगाली क्यूजिन है। अगर आपने ये कभी नहीं टेस्ट किया है तो ज़रूर ये रेसिपी को घर पे ट्राई करें और आपका अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।